announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर का मौसम दोपहर ढलते ही बदल जाता है। पिछले तीन दिनों से हर शाम जम्मू में बादल छा रहे हैं और तेज हवाएं चल रही है। जम्मू में लगातार दो दिनों से शाम होते होते बादल छाते हैं और रात को गरज के साथ तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार अगले दो दिनों तक भी सुबह मौसम साफ रहने के बाद तेज हवा और बारिश के आसार हैं। मौसम के ऐसे तेवर 25 मई तक बने रहेंगे। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसदीय क्षेत्र इंचार्ज संजीव शर्मा एवं भाजपा नेता और पार्षद संजय बरू के माध्यम से शारदा संजीवनी केंद्र आनंद नगर तालाब तिल्लो में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में सैनिटाइजेशन, फेस मास्क एवं दवाइयों की किट उपलब्ध करवाई। इस दौरान सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर महाराज तेज किशन ने शारदा संजीवनी केंद्र की ओर से संकट की इस घड़ी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। सुरक्षा बलों ने आज पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है और हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेना की टीमों ने संयुक्त रूप से एक गांव को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। आतंकी ठिकाने से AK-56 की एक राइफल, AK-56 की एक मैगजीन, AK-56 के 30 राउंड, चाइनीज पिस्टल 2 और पिस्टल की एक मैगजीन बरामद की गई है। कश्मीर घाटी में भारतीय सेना की 19 RR द्वारा PDG-COB डेलगाम में इंडोर गेम्स का आयोजन किया गया। वहीं मेजर राहुल जिंजर कंपनी कमांडर PDG-COB ने स्थानीय युवाओं के साथ बातचीत की। इस आयोजन में 50 स्थानीय युवाओं ने भाग लिया था और वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम और शतरंज जैसे विभिन्न खेलों में भाग लिया। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नशे और अन्य मादक पदार्थों से दूर करना और खेलों के प्रति उन्हें उत्साहित करना था। कार्यक्रम के बाद विजेता उपविजेता युवाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों और बढ़ती मौतों की संख्या प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। इस क्रम में BJP सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कोविड अस्पताल बिश्नाह का दौरा किया और वहां दी जा रही सुविधाओं के बारे में चर्चा कर समीक्षा की। वहीं इस दौरान उन्होंने वार्डों में जाकर कोरोना मरीजों का हालचाल जाना और मरीजों का हौसला बढ़ाया। जम्मू में नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन व पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आम आदमी बहुत मुसीबतों से दो चार हो रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी की मार, दूसरी तरफ भूखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह विफल हो गई है। इस महामारी में सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाके प्रभावित हो रहे हैं और गांव में मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। हेल्थ सेंटर जरूर है पर डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल्स, दवाइयां, मशीनरी कुछ भी नहीं है। उन्होंने सरकार को गरीब, मजदूर, बेरोजगार को 5,000 की आर्थिक मदद देने की अपील की। कश्मीर घाटी में प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी के दौरान फ्रंटलाइन में कार्य कर रहे पत्रकारों को श्रीनगर प्रेस क्लब में कोविड वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया। पुलिस, डॉक्टरों, सुरक्षा बलों के साथ साथ इस महामारी में पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो जान जोखिम में डालकर जनता को पल पल की खबरें देते हैं। इसी को देखते हुए पत्रकारों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का प्रेस क्लब श्रीनगर में अभियान चलाया गया। जम्मू की थोक अनाज मंडी आज सेल्फ लॉकडाउन में रही, जिसके कारण जम्मू की थोक अनाज मंडियों में राशन की सप्लाई नहीं हो पाई है। जबकि प्रशासन की ओर से इन मंडियों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोलने की इजाजत है, परंतु व्यापारियों ने पहले से ही शनिवार एतवार सेल्फ लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। अब सोमवार को राशन सप्लाई किया जाएगा। जम्मू शहर के सरवाल इलाके में ढाबा चलाने वाले एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। व्यक्ति का शव उसके कमरे से खून से सना मिला और हत्यारों ने उसके नाक कान काट डाले। मृतक की पहचान 43 वर्षीय शिव कुमार शर्मा निवासी बिलावर के रूप में हुई है और वो सरवाल के विकासनगर इलाके में स्थित मंदिर की जगह पर बने
कमरे में रहता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच अब ब्लैक फंगस यानी म्यूक्योर माइकोसिस विकराल रूप लेता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में अब तक 7,558 से अधिक ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 5,000 मामले तो अकेले गुजरात से ही सामने आए हैं। यहाँ व्हाइट फंगस के भी 2 मामले देखने को मिले हैं। कश्मीर घाटी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम के अरू में वाइल्ड लाइफ विभाग ने एक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान अवैध रूप से 71 कनाल भूमि पर अवैध कब्जा छुड़ाया। इस भूमि पर अवैध रूप से गैरकानूनी तरीके से लोगों द्वारा एनक्रोचमेंट की गई थी।